हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आपका चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इनके आंसर्स भी आपके सामने होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चंस छूट गया है, उसका आंसर आपको नहीं पता, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मैं आपको तभी बता दूंगा। चलिए, आप देरी ना लगाते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ओलंपिक का आदर्श उद्देश्य वाक्य क्या है, क्या उसका थॉट है ओलंपिक का, ओलंपिक में यूज होने वाला जो थॉट है वह क्या है, यूज करते हैं वह है सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टीएस। जैसे कि स्टार्टिंग में सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टीएस। सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टीएस, ये आदर्श वाक्य है हमारा, जिसको हिंदी में कहते हैं और ऊंचा, सॉरी, और तेज, और ऊंचा, और बलपूर्वक। यानी कि हम अपनी एक्टिविटी को सबसे तेज, सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाना और पूरी पावर के साथ, श्रद्धा के साथ अपने इवेंट को करना, ही हमारा आदर्श वाक्य है ओलंपिक का। अब पूछा गया है इसके रचयिता कौन है। अगर प्रॉपर इसके रचयिता की बात की जाए कि यह वाक्य किसने दिया था, वो थे हमारे फादर डिडोन। इनको दो नामों से जाना जाता है, एक है फादर डिडोन, फादर डिडोन एंड हेनरी डिडोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। हेनरी डिडोन के नाम से भी हम इनको जानते हैं और फादर डिडोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम केवल इस बात की बात करें कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य के रचयिता कौन है, तो वह है हेनरी डिडोन, या फिर हम बोल सकते हैं फादर डिडोन। लेकिन ये कैसे था और क्या था, प्रस्ताव किसने रखा था, ये आदर्श वाक्य दिया था हमें हेनरी डिडोन ने, लेकिन ओलंपिक में इसका इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा था पियरे डी कुबर्टिन, जिन्होंने हमारे ओलंपिक्स की शुरुआत की थी। पियरे डी कुबर्टिन ने इनका प्रस्ताव रखा था कि इनको ओलंपिक्स में लाया जाए। अब अगर फादर डिडोन या हेनरी डिडोन की हम बात करें, तो उनका जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक में आदर्श वाक्य देने वाले रचयिता का क्या नाम है, या फिर पूछ लेंगे कि फादर डिडोन का जन्म कब हुआ था। तो अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे, तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1840, 17 मार्च 1940 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी ये कब, 13 मार्च 1900 में, 13 मार्च 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो एज थी वो 60 ईयर्स, ये 60 साल तक जीवित रहे। उनमें बहुत कुछ इन्होंने ओलंपिक्स के लिए किया, जो इन्होंने वाक्य दिया था सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, वो भी इन्हीं के नाम है, और दो नामों से इनको जाना जाता है, फादर डिडोन और हेनरी डिडोन। जब इन्हें जाना जाता था सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ, तो इनका नाम हेनरी डिडोन था, लेकिन जब इन्होंने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था, तब इनको ये उपाधि दे दी गई थी फादर डिडोन, जो दी थी पियरे डी कुबर्टिन ने, जिन्होंने इनका प्रस्ताव रखा था। इन्होंने अपना प्रस्ताव किसको दिया था, पियरे डी कुबर्टिन, जिन्होंने ओलंपिक की शुरुआत की थी। इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था पियरे डी कुबर्टिन को, और पियरे डी कुबर्टिन ने जो उपाधि दी थी वो दी थी फादर डिडोन के नाम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। अब इसने यहाँ पर उलझा दिए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा, व्यक्तिगत स्पर्धा हमारी एथलेटिक्स की भी हो सकती है या इंडिविजुअल इवेंट्स की भी हो सकती है, लेकिन जैसे इसने पूछा है ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले, अब यहाँ पर आपको केवल पदक, राज्य, सॉरी, रजत पदक बताना है, कांस्य पदक किसने जीता था, और ये कौन से थे ऐसे भारतीय हमारे, और हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस चीज में जीता था। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस चीज में जीता था, तो जिन्होंने जीता था उनका गेम था शूटिंग,
ये राइफल शूटिंग करते थे और इनका नाम था राज्यवर्धन सिंह राठौर। मैं आंसर आपको एक बार राइट कर देता हूँ, जिन्होंने हमारा कांस्य पदक जीता था उनका नाम है राज्य वर्धन राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने भारत को ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक रजत पदक दिलवाया था। अब इनके अगर हम जन्म की बात करें या फिर इनके इवेंट की बात करें, अगर इन्होंने गेम कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म नवंबर 2000, हाँ, इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1970 में। और जन्म कहाँ पर होता है? जैसलमेर में, जो राजस्थान में है, यानी कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनका गेम मैंने आपको बता दिया है, शूटिंग में, डबल टैप शूटिंग में इनका गेम रहा है। और इन्होंने जो कांस्य पदक रजत पदक जो भारत को दिलाया था, वो दिलाया था इन्होंने 2004 में, जो हमारे ओलंपिक्स एथेंस में हुए थे। एथेंस ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को रजत पदक दिया था, और वो दिया था इन्होंने डबल टैप शूटिंग में। उसके बाद इनका कार्यकाल बढ़ता गया, जब इन्होंने पदक दिलाया उसके बाद आर्मी में तो थे ही, और किस पोस्ट पर थे? एनडीए में थे। और एनडीए के बाद में फिर ये कर्नल बने। कर्नल के बाद 2014 में, नवंबर 2014 में ये गवर्नमेंट के अंदर घुसे, तो जिसमें से इनको पोस्ट मिली थी मिनिस्टर की, और वो थी इनकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग की। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे फॉर इंटरनेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए ये मिनिस्टर बनाए थे, कब? 2014 में। और 2017 to 2019 केवल 2 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर रहे फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। तो इनकी हमारे राजनीति से जुड़े हुए भी कार्यकाल रहे हैं, 2 कार्यकाल इनके रहे हैं। 2014 जो मैंने आपको अभी बताया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग, और 2017 to 2019 कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स खेलों के बीच में कितना गैप होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो केवल गैप की, तो गैप तो होता है 4 ईयर, गैप तो केवल 4 ईयर्स होता है, लेकिन ये होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है कि 4 ही साल क्यों दिए जाते हैं। इसमें क्या है, ये डिसाइड कौन करता है? आईओसी, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये डिसाइड करती है कि कौन देश कब कराएगा। लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि 4 साल में हम अपने आसपास के सारे टूर्नामेंट्स कंप्लीट करके वहां से किसी एक अच्छे एथलीट को या किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को चुन लेते हैं अपनी कंट्री के लिए, और वो हमारी कंट्री का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जितने भी प्लेयर्स वहां पर होता है उनका सम्मान भी होता है बहुत ज्यादा, कि हमारे सम्मान की बात है कि भारतीय टीम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। और उससे आपसी भाईचारा या मित्रता भी बढ़ती है, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश देश के साथ में खेलेगा तो वहां पर रहेगा, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा और मित्रता भी बढ़ेगी। और सेकंड थिंग क्या है, विश्व शांति के लिए इनको एकजुट करना होता है, या पूरे विश्व को एक मुट्ठी में बांध कर रखने के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि सारी दुनिया से अपने प्लेयर्स वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, सारे अपनी अपनी राय रखते हैं। और अगर हम बात करेंगे ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये भी ओलंपिक से ही संबंधित है, तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि पहली बार ओलंपिक दिवस या डे ऑफ ओलंपिक कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1894 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लास्ट ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल कब आया था। तो इंडिया का गोल्ड मेडल कब आया, वेरी गुड। हम बात करते हैं कि ओल्ड इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते, अगर टोटल मेडल की बात करेंगे तो इंडिया ने टोटल मेडल जीत चुकी है 8,
केवल 8 मेडल इंडिया जीत चुकी है, गोल्ड मेडल, केवल मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया 8 गोल्ड मेडल हॉकी में अब तक जीत चुकी है। और लास्ट ओलंपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट ओलंपिक हमारा था वो 1980 में जो ओलंपिक हुआ था, और वो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, मैक्सिको, मैक्सिको में हुआ था हमारा लास्ट ओलंपिक 1890 ओलंपिक। इसमें भारत ने गोल्ड मेडल लास्ट टाइम जीता था, उसके बाद भारत अब तक कोई भी मेडल, सॉरी गोल्ड नहीं जीत पाया। तो 1980 में हमने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। और 8 ओलंपिक जो मैंने आपको बताया, अगर इन 8 ओलंपिक की हम बात करें तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, 1928 में पहला गोल्ड हमारा आया था, 1932 में हमारा दूसरा गोल्ड आया था, और 36 में हमारा थर्ड गोल्ड आया था, 48 में हमारा गोल्ड आया था, 52 में भी हम लोगों ने गोल्ड जीता था। ये बैक टू बैक हमारे जो गोल्ड चल रहे हैं, उस टाइम पे मिल्खा सिंह हमारे कैप्टन होया करते थे। 56 में हमारा गोल्ड था, 64 में हमारा गोल्ड था, और 1980 में भी हमारा गोल्ड रहा है। और अगर हम इस लास्ट वाले गोल्ड की बात करें, जो लास्ट वाला गोल्ड हमारा मैक्सिको में आया था, तो हमने ये मैच किसके खिलाफ खेला था, तो ये मैच खेला था हमने स्पेन के खिलाफ, यानी कि इंडिया इसमें स्पेन के खिलाफ खेल रही थी, और स्कोर था भारत का 4-3, भारत 1 पॉइंट से ऊपर चल रहा था। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि लास्ट ओलंपिक में जब स्वर्ण पदक भारत ने जीता था हॉकी में, तो उसमें भारत के कैप्टन कौन रहे थे, कप्तान यानी कि कौन रहे थे, तो कैप्टन हमारे थे वासुदेवान भास्करन। कौन थे हमारे कैप्टन, वासुदेवान भास्करन हमारे कैप्टन रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। अब इसने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं ओलंपिक खेलों की। अगर बात करें तो ओलंपिक खेल तो हमारे, वैसे अगर हम प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो वो हमारा बहुत पहले का था, और आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो हमारा था 1896। 1896 में हमने आधुनिक ओलंपिक खेले थे, लेकिन हम बात करेंगे प्राचीन ओलंपिक की, तो प्राचीन ओलंपिक हम लोगों ने कब खेले थे, 776 BC, 776 BC में हम लोगों ने ओलंपिक्स खेलना या ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये कब होती थी और क्यों होती थी या क्यों की गई थी, तो इनको हम एक तो प्राचीन ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, सेकंड थिंग ये जब हम गर्मी के दिनों में मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा होती थी उस दिन इन खेलों का आयोजन किया जाता था। और ये किस कैसे होते थे या किसके सम्मान में, जो हमारे ग्रीक भगवान होते थे उस टाइम पर, जीसस जिसको हम मानते थे, उनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया जाता था। और आखिरी बार अगर हम ये भी बात करें कि हाँ ये बात करें कि प्राचीन ओलंपिक आखिरी बार कब हुए थे, तो 390 BC, 390 BC में लास्ट प्राचीन ओलंपिक खेले गए थे। और जहां पर ओलंपिक आयोजन किया जाता था उसको क्या बोलते थे, क्या नाम था उस शहर का, ओलंपिया। उसी शहर के नाम से इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा, ओलंपिया शहर में होते थे। ये जीसस क्राइस्ट के मंदिर के सामने सूरज की किरणों के द्वारा टॉर्च को जलाया जाता था, और तब इन गेमों की या खेलों की शुरुआत होती थी। अगर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम बोलते थे पेलोपोनीज। पेलोपोनीज उस जगह का नाम था जहां पर ओलंपिक खेल्स होते थे, या उस शहर का नाम था ओलंपिया। चलिए अगले क्वेश्चन के राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 है, 1896 अगर बात कर रहा है आधुनिक ओलंपिक की, और अगर बात आ रही है केवल ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, तो 1776 BC, 776 BC हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ओलंपिक खेल इसने पूछे हुए हमारे प्राचीन ओलंपिक जब से हमारी उत्पत्ति हुई थी, कि हमारे गेम्स की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यहाँ पर प्राचीन ही हमारा आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है। यहाँ पूछा गया है लेन, नॉट लाइन, तो लाइन ये दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं लेन, इसका गैप है उसको बोलते हैं लेन, और दो लाइनें जो लेन को बनाती है उनको बोलते हैं लाइन। तो अगर इसने पूछे ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कितनी लाइन होती है, तो आंसर तो यहाँ पर 8 है, 8 लाइनों का हमारा स्विमिंग पूल होता है, लेकिन अभी देखा गया है कि कहीं कहीं पर 10 लाइनों का स्विमिंग पूल भी बना दिया गया है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 लाइनों के स्विमिंग पूल को यूज किया जाता है, और इसमें भी कुछ अलग अलग भ्रांतियां हैं। अगर हम बात करेंगे कि ओलंपिक खेलों में जो हम
अपने स्विमिंग पूल यूज करते हैं उसमें जो लेन होती है उनकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ 25 मीटर टू 50 मीटर, यानी कि दो तरह के पुल हमारे होते हैं जिसमें से एक लेंथ होगी 25 मीटर, और दूसरे पुल की हम बात करें तो मैक्सिमम, अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना लंबा हमारा पुल हो सकता है तो वो होगा 50 मीटर। और अगर हम बात करें कि उसमें कौन सी लाइन या लेंथ सबसे अच्छी होगी, या दो लाइनों के बीच का गैप कितना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया है ये लेन है हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो गैप है 2.5 मीटर, दो लाइनों के बीच का गैप होता है। और अगर बात केवल ये करते हैं कि कौन सी लाइन अच्छी होती है ओलंपिक्स में, तो यहाँ पर हम अच्छी लाइन की अगर बात करें यानी कि जिसके अंदर प्रेशर कम पड़ता है, ऐसी कौन सी लाइन होगी, तो वो लाइन हमारी मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं 4th नंबर की लाइन, क्योंकि उसमें 3 प्लेट्स एक साइड में होते हैं और 4 प्लेट्स एक साइड में होते हैं, उनका एयर फ्लो का जो प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर जो होता है, वो दूसरे प्लेट्स के ऊपर कम जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले प्लेट्स को प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा वाटर को पीछे धकेलने के लिए, तब आगे निकल पाएंगे। और केवल क्वेश्चन की ही बात करें तो ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल की जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 8 केवल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपिक का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है और उसकी क्या क्या फायदे हैं या क्या किस लिए वो प्रचलित हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका आंसर आपको बताता हूँ, ओलंपिक का जो म्यूजियम है वो लुशाने में है। लुशाने, ओलंपिक म्यूजियम लुशाने में है, और वहां पर क्या होता है, एक साल में हम बात करें कि एक साल में कितने व्यक्ति उस म्यूजियम में घूमने के लिए जाते हैं, तो करीबन करीबन वहां पर 2.5 लाख व्यक्ति उस म्यूजियम में घूमने के लिए जाते हैं एक साल में। एक साल में वहां पर कम से कम 2.5 लाख व्यक्ति का रिकॉर्ड देखा गया है पर ईयर, एक साल की हम बात कर रहे हैं। और अगर वहां पर सामान की हम बात करें कि सामान कितना होता है, तो लगभग लगभग वहां पर 10,000 सामान, 10,000 क्वांटिटी में सामान ऐसे रखे जो अलग अलग स्पोर्ट्स से हैं, जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, जो भी हमारे ओलंपिक से रिलेटेड हैं, उस म्यूजियम में 10,000 की क्वांटिटी के साथ वो सामान रखा गया है। और वहां पर क्या होता है, हर ओलंपिक्स का अलग अलग सामान रखा जाता है, उसको भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये ओलंपिक के लिए है, ये कॉमनवेल्थ के लिए है, ये एशियन गेम्स के लिए है, उनके फ्लोर्स उन्होंने बना रखे हैं। और ये ओपन कब हुआ था, कब इसको खोला गया था, तो ये हमारा ओपन किया गया था 23 जून 1993, 1993 में जून मंथ में इसको ओपन किया गया था। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी कितना ये बड़ा था, तो 2011 तक, 1993 से लेकर 2011 तक जो इसकी मेजरमेंट की गई थी वो थी 2000 मीटर स्क्वायर, 2000 मीटर स्क्वायर में था, लेकिन 2013 में इसको बढ़ाकर 3000 मीटर स्क्वायर कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओवल स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंधित है? केवल अगर इसका जो सबसे पहले जिस पर्पज के लिए ये बनाया गया था उसकी बात करें, उस खेल से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर बनता है क्रिकेट। अगर हम केवल यही बात करें कि ओवल स्टेडियम किस लिए फेमस है या किस खेल से संबंधित है, तो वो हमारा है क्रिकेट, जबकि ये और गेम्स के लिए भी, इसमें फुटबॉल्स वगैरह, रग्बी वगैरह गेम्स भी खेले जाते हैं। अगर क्रिकेट की ही बात करें तो ये हमारा स्टेडियम 1845, 1845 में बनकर रेडी हो गया था, उसके बाद इसको गेम्स के लिए यूज किया गया था। कैसे, अगर हम पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की बात करेंगे, सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट मैच इसमें कब खेला गया था, 1880, 1880 में इस स्टेडियम में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मैच की अगर हम बात करेंगे 2021 में, 2021 में लास्ट टेस्ट क्रिकेट मैच ओवल स्टेडियम में खेला गया था। अगर ODI की हम बात करेंगे तो पहला ODI हमारा 1973, 1993 में पहला ODI इस स्टेडियम में खेला गया था, और लास्ट ODI की अगर हम बात करें 2022, 2022 में लास्ट ODI खेला गया था। ये जो हम बात कर रहे हैं मेंस रिलेटेड है, महिलाओं के लिए हम लोग दोबारा से बताऊंगा मैं आपको। और इसमें हम बात करें T20 जो मैच आजकल चल रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो वो कब था,
तो उसमें पहला T20 मैच खेला गया था 2007 में और लास्ट खेला गया था 2014 में। ऐसी अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं ने सबसे पहला इसमें केवल ओडीआई खेला था। ओडीआई कब खेला था? 1937 से लेकर 1976 में लास्ट ओडीआई खेला था, और स्टार्टिंग यानी कि पहला ओडीआई कब खेला था? 1937 में। और T20, अगर T20 की बात करें, 2009 में केवल एक ही मैच इसमें खेला गया है। ऑल स्टेडियम केवल एक ही मैच खेला गया 2019 में गर्ल्स के लिए। उसके बाद इस स्टेडियम को और किस पर्पज में और किस गेम में यूज किया गया? मैंने जैसे फुटबॉल आपको बताया था कि इस स्टेडियम में फुटबॉल्स के मैच भी हुए, तो फुटबॉल के लिए इस स्टेडियम को 1952-1963 तक यूज किया गया। ये ओवल स्टेडियम की कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अगर हम केवल कबड्डी की ही बात करें तो कबड्डी केवल बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय खेल है। आंसर राइट कर देता हूं, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेशनल गेम की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का नेशनल गेम है कबड्डी। लेकिन ये कब अडॉप्ट किया गया, कब इसको घोषित किया गया था कि ये बांग्लादेश का खेल रहेगा? तो उसको अडॉप्ट किया गया था 1972 में। 1972 में बांग्लादेश का नेशनल गेम इसको घोषित किया गया था। लेकिन वहां पर चर्चा ऐसी भी रही थी कि फुटबॉल और क्रिकेट को भी नेशनल गेम बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बताया था, सॉरी उनका नाम था बैंदू शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने ये मानना था उनका कि कबड्डी को हम अपना राष्ट्रीय खेल इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें परस्पर हाथ या बॉडी का टच किया जाता है, जिससे खेल भावना और मित्रता का भावना की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन्होंने यह डिसाइड किया था कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल रहेगा कबड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा कि क्या हमारा वाक्य था। तो वाक्य के बारे में तो आप जानते ही हैं सभी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कब अपनाया गया था यानी कि किस ओलंपिक में अपनाया गया, तो आंसर आपका आएगा 1920। 1920 ओलंपिक में इसको अपनाया गया था, और वो कहाँ पर हुआ था? एंटवर्प में। एंटवर्प में जो ओलंपिक हुआ था 1920 में, उसमें इस आदर्श वाक्य को अपनाया गया था। और वाक्य था हमारा सीएटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, और तेज और ऊंचा और बलपूर्वक या और मजबूत, जिसको हम बोल सकते हैं। इस वाक्य को अपनाया गया था 1920 में या लागू किया गया था एंटवर्प ओलंपिक में। लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनका रीजन भी था कुछ, तो मैं उनकी अगर आपको बताना चाहूंगी कौन कौन से वो देश थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्जीरिया, तुर्की, ये ऐसे देश थे जो वहां पर नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम पर 1919 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तो विश्व युद्ध के कारण ये देश पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन कितना उलझा हुआ है। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट, गैम्बिट भी इसने पूछा है, या फिर ये भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, गैम्बिट किस खेल में यूज किया जाता है या गैम्बिट किसको कहा जाता है? तो तीन तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। किस खेल को शुरू करने के लिए गैम्बिट का यूज किया जाता है या कहा जाता है, या गैम्बिट क्या होता है, या गैम्बिट किस खेल में यूज किया जाता है? अगर हम सीधी बात करें गैम्बिट क्या होता है, गैम्बिट होता है, यहाँ पर केवल तीन रो वाली बनाकर दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? चेस बोर्ड से। चेस बोर्ड को भी हम लोग गैम्बिट के नाम से जानते हैं, और इसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। चेस बोर्ड के अंदर ऊपर जो 64 स्क्वायर्स होते हैं उसमें दो तरह के स्क्वायर्स होते हैं। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो एक व्हाइट होगा और एक ब्लैक होगा, और उसमें जो प्यादे होते हैं, जो मोहरे होती हैं, जो चलने वाली मोहरे होती हैं, वो कितनी होती है? 16 होती है। यानी कि दोनों प्लेयर्स की अगर बात करें 32 होती है,
16 मोहरे होती है। एक मोहरे की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक राजा एक किंग होता है, दो एलिफेंट होते हैं, दो कैमल ऊंट होते हैं यानी कि दो घोड़े होते हैं, और 8 प्यादे होते हैं उसके। ऐसे ही दूसरी टीम के भी एक राजा, दो हाथी, दो ऊंट और दो घोड़े और 8 प्यादों के साथ में इस गेम को शुरू किया जाता है। और जिस जगह पर इसको खेला जाता है, जो प्लेट इसकी खेलने वाली होती है, जो इसका एरिया होता है खेलने का, जहां पर इन प्यादों को सेट किया जाता है, उसको बोलते हैं गेमबिट। गेमबिट यानी कि वो सरफेस जहां पर हम चेस को खेल रहे हैं, चेस बोर्ड को ही, या चेस बोर्ड का दूसरा नाम है गेमबिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, या फर्स्ट पोजीशन उसने गोल्ड मेडल्स ज्यादा जीते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? वो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चाइना। लेकिन अगर हम केवल कॉमनवेल्थ गेम की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम हमारे 11 मार्च 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और उन दिनों की बात करें तो उसमें टोटल कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 11। और अगर प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो टोटल प्लेयर हमारे 489, 489 प्लेयर्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया था। और इवेंट्स इसमें किए गए थे 6, केवल 6 इवेंटों के साथ इस खेल को यानी एशियाई खेल्स को शुरू किया गया था। और जब इसको शुरू किया गया था तो ये कब शुरू किया गया था? 4 मार्च को, 11 मार्च को इसकी समाप्ति थी, तो 4 मार्च को जब इसको शुरुआत की गई थी तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन गेमों का संचालन किया था, शुरुआत की थी। और ये आयोजित कहाँ किए गए थे? ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ये ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 11 मार्च 1951 में। और सबसे ज्यादा बार फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली टीम या देश है चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, या नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके लिए मनाया जाता है, या किसका जन्म हुआ था जो इसको मनाया जाता है? सिंपल बात, सिंपल लफ्जों में अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर तो आपका केवल यही बन जाएगा, मेजर ध्यानचंद। लेकिन इसके आगे, इसके लिए अभी डिस्क्राइब करता हूँ आपको, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के लिए केवल इसको सेलिब्रेट या नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1904, 1904 में इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में 29 अगस्त के दिन। और 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनकी डेथ कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1979। तो इनकी डेथ कब हुई थी? 3 दिसंबर को, और 1979 इनकी डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1969 को। और इनका कार्यकाल क्या रहा है, या इन्होंने कितने गोल्ड, कौन कौन से ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाए हैं? तो इन्होंने भारतीय सेना में, अगर जॉब की बात करें तो भारतीय सेना में इन्होंने 1921 से 1956 तक जॉब की थी, नौकरी की थी, या देश के लिए सेवा की थी। और हॉकी में इनका करियर कब तक रहा? 1926 से लेकर 1948 तक, 1926 से लेकर 1948 तक इन्होंने हॉकी खेला। और इस कार्यकाल में इन्होंने 1928 में पहला गोल्ड, और अपने कार्यकाल का बता रहा हूँ, इनके कार्यकाल का यानी कि मेजर ध्यानचंद के कार्यकाल का पहला गोल्ड कब आया था? 1928 में आया था, 1932 में आया था, और 1936 में। केवल इन्होंने 3 गोल्ड भारतीय टीम को दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? इसने नोट, यहाँ पर ओलंपिक की बात नहीं हो रही, विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो उसमें मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी, चाहे वो कोई सा भी मेडल हो हमारा, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कांस्य पदक की, जिसको हम सिल्वर मेडल, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। तो कांस्य पदक जीतने वाली या हमारा पहला
पता जीतने वाले जो एथलीट है वो कौन है? यह है अंजू बेबी जॉर्ज। अंजू बेबी जॉर्ज हैं जिन्होंने हमें पहला विश्व चैंपियनशिप में पदक दिया था, और उन्होंने जो पदक जीता था वो था हमारा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल था। और ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था, किस टूर्नामेंट में? इन्होंने 2003 में जो हमारी विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। किसमें? कूद में, लंबी कूद में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और तब ये कूदी थी 6.70 मीटर, या अगर फिट की बात करें तो 22 फिट इन्होंने लॉन्ग जंप लगाई थी। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 अप्रैल 1977, 1977 में 19 अप्रैल को इनका जन्म केरल में हुआ था। तो केरल की रहने वाली है। और स्पेसिफाई इनके अगर इवेंट की हम बात करेंगे, मेडल किसमें दिया था इन्होंने? लॉन्ग जंप में। लेकिन किसके लिए ये मेहनत कर रही थी वो इवेंट था इनका 100 मीटर हर्डल रेस। हर्डल रेस की एक एथलीट थी और लॉन्ग जंप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और लॉन्ग जंप में ही इन्होंने मेडल भारत को दिया था विश्व चैंपियनशिप में। और इनको भारत सरकार ने क्या दिया था? अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, और पद्मश्री अवार्ड भी इनके नाम है। अंजू बेबी जॉर्ज के नाम अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हॉकी खिलाड़ी ददा के नाम से जाना जाता है? तो ददा के नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन आएगा आपके? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को ही हम हॉकी में, या सॉरी उसको हम दूसरे नाम से ददा के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हम ददा के नाम से भी जानते हैं। और इनके नाम के साथ में जुड़ी और भी बहुत सारी गाथाएं हैं, जैसे कि अगर हम गोल की बात करें, गोल एक आत्मकथा, आप लोग इस बुक को देखना, गोल एक आत्मकथा है जो सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी के करियर के रिगार्डिंग, इनके जीवन से संबंधित लिखी गई है। और ये लिखी किसने थी या कब इसको प्रचालित किया गया था, प्रकाशित किया गया था? तो इसको 1952 में, 1952 में स्पोर्ट्स एंड पास टाइम, मद्रास में एक कंपनी हुआ करती थी स्पोर्ट्स एंड पास टाइम मद्रास में, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और ये किस खिलाड़ी के ऊपर थी? मेजर ध्यानचंद। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि गोल आत्मकथा किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है, तो मेजर ध्यानचंद से जुड़ी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कि ददा के नाम से किसको जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम ही यहाँ पर आता है। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चंस करेंगे। आपका अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स नोट करा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।